मूवी आपके यहाँ आ रही है हमारे 12, बगैर मूवी देखे समझ आ रही है किसकी बात हो रही है। तो ये उसका पोस्टर भी आया है, बहुत ऑब्जेक्शन किया जा रहा है इसके ऊपर। किसी भी मुआशरे में, किसी भी सोसाइटी की जो गंदी चीजें होती हैं उनकी खिल्ली उड़ा के, उनको एक्सपोज करके उनको इसी तरह बुरा दिखाया जाएगा ना। बढ़ती आबादी मसाइल भी बढ़ाने लगी। महकमा महबूद आबादी की डायरेक्टर जनरल समन राय कहती हैं कि अगर आबादी की रफ्तार में कमी ना हुई तो मुस्तकबिल में वसाइल की कमी होगी। लेकिन मुस्लिम्स आज भी स्टक हैं अपनी उसी बात पे कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। 12-12 बच्चे पैदा करना होगा वो तो कुदरती चीज है, उसके लिए हम क्या मना कर सकते हैं। इन्होंने बच्चा पैदा करना होता ना फिर पूछते हैं कुदरती चीज है या क्या है। एक महिला की हड्डियां टूट जाती हैं, पता है कितना दर्द उसको सहना पड़ता है एक बच्चे के लिए। आपने तो बोल दिया कुदरती चीज है। उसको यही लगा रहता है कि मैं रात को अपना मजा लेना है, टेंशन लेनी है मैंने नहीं। उसकी वजह से इतना बच्चा, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पाँच, दस, आठ नहीं, नौ नहीं, दस नहीं, 12 बच्चे। पाकिस्तान में जो मुसलमानों का पॉपुलेशन है, अगर अल्लाह दे रहा होता तो आज भीख का कटोरा क्यों? लेकिन एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऐसे है जो ये कहता है कि हमने शरीयत नाफिज कर दी है। पूरी दुनिया में आप देख लें, यूरोप में इसको जो आग लगी हुई है, पूरा यूरोप जो है राइट विंग की तरफ जो जा रहा है, उसकी एक वजह वो ये कहते हैं यार हम लोग सारों को गले से लगाते हैं, ये आके हमें कहते हैं हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। तो हमें बताया जाता है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन जो है वो हमारे नेबर्स हैं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन जो है ना वो हम खुद भी अपने आप के हैं। इस तरह से कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि पिक्चर रिलीज की जाए और किसी भी धर्म या मजहब के सेंटीमेंट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिल्म हमारे 12 लंबे चले विवाद के बाद अब रिलीज होने को तैयार है। ये फिल्म 21 जून को थिएटर्स में लग रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद ये मंजूरी दे दी है। फिल्म निर्माताओं ने अदालत से वादा किया कि वह आपत्तिजनक सीन्स को हटा देंगे। इसके बाद ही अदालत ने कहा कि आप फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। अदालत ने यह आदेश उस अर्जी पर सुनवाई पूरी करते हुए दिया जिसमें मांग की गई थी कि इस फिल्म को बैन किया जाए। याचिका में कहा गया था कि यह फिल्म मुसलमानों और इस्लाम को गलत ढंग से दिखाती है। इनमें से एक बात यह थी कि कुछ संवादों को हटा लिया जाए जिन पर आपत्ति है। इसके अलावा फिल्म में 12 सेकंड के 2 डिस्क्लेमर भी दिखाने का फैसला हुआ है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारे 12 की रिलीज पर रोक लगा दी थी, हालांकि बाद में मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फिर से अंतरिम रोक लग गई थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद अब ये फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। एक मूवी आपके आ रही है हमारे 12, हमारे 12, मुझे बगैर मूवी देखे ही समझ आ रही है किसकी बात हो रही है। तो ये उसका पोस्टर भी आया है, बहुत ऑब्जेक्शन किया जा रहा है इसके ऊपर और कहा गया कि जी उसमें मुस्लिम्स को कुछ कहा गया। बस एक इंटरव्यू भी किसी का आ रहा था जिन्होंने शायद मूवी बनाई है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अनु कपूर एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। अनु कपूर हमेशा उन मूवीज को सिलेक्शन करते आए हैं या टीवी सीरियल्स को सिलेक्शन करते आए हैं जिसमें एक मैसेज हो, एक सब्जेक्टिव मूवी हो जिससे देश के युवा और देश के अलग अलग समुदाय और कम्युनिटी कुछ सीख सके। अब इस हमारे 12 को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए और कहने लगे कि भाई ये मूवी को बिल्कुल भी रिलीज करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है। मुझे तब भी बात समझ में नहीं आई मुसलमानों की। अच्छा, मुझे अर्जुन जी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यूसीसी की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, संविधान को एक विधान एक संविधान करने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके जो जो हिंदू बाहर देशों में अत्याचारित हो रहे हैं उनको ला करके यहाँ पर नागरिकता देने की बात हो तो भारत के मुसलमान पर परेशान हो जाते हैं, एनआरसी के तहत जो घुसपैठियां हमारे भारत में घुसे हुए हैं उनको निकालने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये जो विक्टिम कार्ड है ये कब तक खेलते रहेंगे? आज अगर मैं शिक्षित नहीं होती और मैं ये कहती रहती अरे मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही है, अरे मेरे घर में तो गरीबी है, अरे मुझे गरीबी हटाने के लिए अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा तब जाकर के गरीबी हटेगी। मेरी फैमिली में जितने लोग हैं सब अर्निंग है तो गरीबी हमें नहीं टच कर सकती है क्योंकि सब शिक्षित हैं। देखिए, हमारे 12 में 12 के जो अभी जो जजमेंट आया है और मात्र 3
साढ़े तीन घंटे पहले आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि पिक्चर रिलीज की जाए और किसी भी धर्म या मजहब के सेंटिमेंट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया गया है। और जिसकी सबसे बड़ी जो विक्टिम्स हैं वो मुसलमान औरतें हैं। तो बहुत सारे जो हमारे लिबरल लोग हैं और कुछ बहुत सारे इस तरह के जो वर्च्यू सिग्नलिंग करने वाले सेल्फ राइचियस लोग हैं जो पैथोलॉजिकल ऑल्ट्रुइस्टिक बनते हैं, अपनी तरफ से ऑल्ट्रुइज्म दिखाते हैं कि भी हमें बड़ा एहसास है लोगों का, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई और मेरे पीछे भी पड़ गए थे बहुत सारे लोग, नहीं जी ये मुसलमानों को स्टेरियोटाइप किया जा रहा है जी, उनके साथ बुरा, उनको गंदा दिखाया जा रहा है वगैरह वगैरह। बात यह है कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी सोसाइटी की जो गंदी चीजें होती हैं उनकी खिल्ली उड़ा के, उनको एक्सपोज करके उनको इसी तरह बुरा दिखाया जाएगा ना। अब ये जो खुद कुछ धमाके होते हैं जिनके सारे मोमिन है, पहले तामिल थे थोड़े से और उससे पहले आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिलेगी कामकाजी पायलट्स की एग्जांपल, लेकिन 99% जो इस तरह के जो खुदकुश हमले होते हैं वो एक ही आइडियोलॉजी से निकलते हैं। आप ये नहीं कह रहे कि सारे मुसलमान वैसे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है मुसलमानों के अंदर। उसी तरह मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगेन ये नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऐसे है जो ये कहता है कि हमने शरीयत नाफिज करनी है। पूरी दुनिया में आप देख लें, यूरोप में इसको जो आग लगी हुई है, पूरा यूरोप जो है राइट विंग की तरफ जो जा रहा है उसकी एक वजह वो ये कहते हैं यार हम लोग सारों को गले से लगाते हैं, ये आके हमें कहते हैं हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, हम तुम्हारी हुकूमतों की धज्जियां उड़ा देंगे, हम यहाँ पे शरीयत नाफिज करेंगे, इतने फड्डे वहां पे होते हैं। तो अब इसके ऊपर बात ना की जाए कि ये स्टेरियोटाइप हो जाएगा, ये क्या बात हुई। लेकिन जो उसका सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट है, ये टर्म कॉइन की थी, पता नहीं अयान हर्सी अली ने की थी या माजिद नवाज ने की थी, कि इसको कहते हैं बिगेट्री ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस। वो ये कि अगर हम गोरे को व्हाइट सुप्रेमसिस्ट अगर कोई है जो उनकी टेंडेंसीज हैं, अगर हम उनको दिखाते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि यार ये गोरे बदनाम हो जाएंगे इस तरह, ओहो जी गोरे गोरों के ऊपर बड़ी स्टेरियोटाइप बन जाएगा ये वो, कोई नहीं कहता। गोरे खुद कहते हैं कि ये व्हाइट सुप्रेमसिस्ट जो है ये बड़े बुरे लोग हैं, उसके ऊपर फिल्में बनती हैं। अमेरिकन हिस्ट्री एक्स एक बड़ी अच्छी मूवी है, वो देखिएगा, फिल्में बनती हैं उसके ऊपर, उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है। जो वेस्ट के जो लिबरल हैं उन्होंने क्रिश्चियनों की किस तरह जो उनकी बैड एलिमेंट्स हैं ये अबॉर्शन वगैरह को लेके या जो होमोफोबिया को लेके जो उनकी चीजें, उनको कौन हाईलाइट करता, गोरे करते हैं। उसी तरह जब हम अपने इधर अपने सब कॉन्टिनेंट में आ जाएं तो कितने लोग हैं, कितनी फिल्में बॉलीवुड की बन चुकी हैं जो हिंदुइज्म की जो ऐसी बातें हैं जो आजकल के जमाने में सूट नहीं करती उसका मजाक उड़ाया जाता, कोई नहीं ये कहता। जो ट्रेडिशनल हिंदू हैं उनको वो बातें बुरी लगती हैं, उसी तरह जिस तरह एक ट्रेडिशनल मुसलमान को ये बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये आपकी सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं। अब ये गार्डियन का आर्टिकल है, 23% ब्रिटिश मुसलमान ब्रिटेन में शरीयत चाहते हैं, 23%, ये कुछ छोटा नंबर नहीं है, माइनॉरिटी है लेकिन एक साइजेबल माइनॉरिटी है, 23%। अब इन लोगों के ऊपर बात ना की जाए तो क्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलेगी, ये क्या बात हुई। अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग एक तो एक्स मुस्लिम्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान लिबरल मुसलमान भी हो रहे हैं, वो ये कि भाई हम ठीक है, लेकिन एक ये भी एलिमेंट है कि वो अपने शील्ड्स जो है अपनी दीवारें जो है और ऊपर कर लेते हैं, कहते हैं नहीं हम पे हमला हो रहा है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि उसके ऊपर बात ना की जाए।